हे hey चैंपियंस फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में माई साफ संजू शर्मा और आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की पोएम फोर अ थिंक ऑफ ब्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं अब बेसिकली पोएम को स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि क्या है चैप्टर्स आप इजीली समझ पाते हैं क्योंकि वो एक स्टोरी टाइप में होता है तो अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको चैप्टर समझ आ जाता है लेकिन बात करें पोएम की तो पोएम में पहली बात तो क्या है वोकेबरी बहुत हार्ड रहती है वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सेकेंड क्या पोएम डबल मीनिंग सिग्निफाई करती है हर पोएम के अंदर डबल मीनिंग होती है तो उसको फाइन करने में मुश्किल आती है सो so, इसलिए आज हम पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं आ थिंक ऑफ ब्यूटी तो इसके राइटर है वो है जॉन कीट्स जो कि की एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है अब बात करते हैं जो थिंक ऑफ ब्यूटी है ये एक स्मॉल पार्ट है किसका एक पोएम है एंडमन अ पोइटिक रोमेंस एक ही पोएम है तो इसका एक छोटा सा पार्ट है अ थिंक ऑफ ब्यूटी सो स्टार्ट करते हैं आ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इं टू नथिंगनेस सो इस लाइन में क्या बताया है? कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये कोई सी चीज़ हो सकती है जो कि ब्यूटी प्रोवाइड करती है इज़ अ जॉय फॉर एवर ये हमेशा के लिए जॉय प्रोवाइड करती है ये एज अ सोर्स ऑफ जॉय है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और एवर लास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है आगे चलता रहता है वैसे ही जो इसकी लवलीनेस है जो इसकी ब्यूटी है वो इंक्रीज ही होती है डिक्रीज नहीं होती है इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस नथिंगनेस मीन्स जीरो तो ये इसकी जो ब्यूटी है ये ज़ीरो नहीं होती है ये कभी भी खत्म नहीं होती है नेक्स्ट बट विल कीप अवर क्वाइट फोरस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग हाँ अब आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप पोएम को पढ़े तो अपनी जो बुक है उसको अपने साथ रखें और एक पेंसिल रखे मैं आपको मीनिंग बताता रहूँगा और आप उसमें लिखते रहना सो so, स्टार्ट करते हैं बोवर बोवर का मतलब है शेड जो कि ट्रीज बेसिकली शेड प्रोवाइड करते हैं छाया उसके लिए मैं बताया है तो जो ये लाइन है इसके अंदर जो नेचर है उसको ज़्यादा मेन फोकस किया है पोएट ने तो उन्होंने कहा है कि अब ओवर क्वाइट फॉरेस्ट जो कि ट्रीज़ की जो शेड होती है छाया होती है वो बिल्कुल शांत होती है क्वाइट होती है एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और जो नींद अपन जो उसके अंदर लेते हैं छाया के अंदर लेते हैं उसके अंदर अच्छे अच्छे सपने आते हैं स्वीट ड्रीम्स की वो शांत नींद होती है उसके अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स के जो डिप्रेशन होता है स्ट्रेस होता है वो सब बाहर निकल जाते हैं एंड और बिल्कुल हेल्दी रहती है एंड क्वाइट ब्रीथिंग और उस एनवायरमेंट में उस शांत वातावरण के अंदर क्वाइट ब्रीथिंग आराम से सांस लेते हैं मतलब रेस्परेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती है दैन देर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंडस टू दी अर्थ अब देर फोर मतलब इसलिए अब इतनी सारी चीज़ें नेचर को प्रोवाइड करता है तो ऑन एवरी ट मोरो मोरो को मतलब टमोरो तो हर दिन आर वी ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब बुनना टूगेदर एक साथ इकट्ठा करना आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंडस टू दी अर्थ तो हर दिन अपन एक फ्लावरी बैंड बनाएंगे फ्लावरी बैंड कैसा आप जैसे साइड में देख सकते हैं फ्लावरी बैंड जो कि अटैच करेगा ह्यूमन बींग्स को और अर्थ को जिससे बेसिकली बेसिकली ये क्यों से ये फ्लावरी बैंड क्यों बना रहे हैं ये एक रिलेशन बताना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स का और नेचर का दैन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट ऑफ़ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब लैक ऑफ नोबल पीपल लैक ऑफ मतलब काइंडनेस लैक ऑफ नोबल पीपल तो इसमें क्या बताया कि अब अर्थ के ऊपर हैप्पीनेस तो होना रहेगी सैडनेस भी है तो इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद लैक ऑफ नोबल पीपल लैक ऑफ काइंडनेस होने के बावजूद ऑफ द ग्लूमी डेज सैड ग्लूमी मतलब सैड डेज सैड डेज होने के बावजूद ऑफ ऑल द अनहेल्दी अनहेल्दी मतलब आप समझते हो अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग और ओवर डार्क एंड वेज मतलब जो अपन गलत रास्ते रॉन्ग वेज अपना लेते हैं जब अपन किसी अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसको जल्दी पूरा करने के चक्करों में अपन एक गलत रास्ता अपना लेते हैं तो उसके लिए बताया है कि मतलब स्पाइट ऑफ मतलब डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद और लैक ऑफ काइंडनेस लैक ऑफ नोबल पीपल होने के बावजूद लैक और सैड डेज होने के बावजूद और अनहेल्दी और गलत रास्ते अपनाने के बावजूद नेचर अपने साथ क्या करता है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन सब होने के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स मूव अद पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिट्स और इन सब चीजों के होने के बावजूद जो नेचर है जो शेप ऑफ ब्यूटी है ब्यूटी का एक कोई भी पार्ट वो क्या करता है अपने डार्क स्पिट्स के अंदर जो पाल पाल मतलब सैडनेस है उसको बाहर निकाल देता है सो so, यहाँ तक क्लियर है अब बात करते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी क्या क्या बताया है इसके अंदर सच द सन द मून ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिम्पल शिप इसमें क्या बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो थिंक ऑफ ब्यूटी है सन हो गया मून हो गया ट्रीज़ जो कि ओल्ड है और जो यंग है वो सब थिंक ऑफ ब्यूटी है स्प्राउटिंग अ शेडी बून स्प्राउटिंग मतलब उगना पैदा होना तो स्प्राउटिंग अ शेडी बून बून मतलब जो छाया जो शेडिंग बून जो छाया प्रोवाइड करते हैं ट्रीज़ उसके लिए बताया है कि ये क्या है जो ट्रीज़ है जो ओल्ड हो गए या फिर यंग है ये सब स्प्राउट मतलब एक पैदा करते हैं एक छाया को बनाते हैं फॉर सिंपल शीप मतलब सिंपल शीप के लिए भी छाया बनाते हैं जो कि एक पावरलेस एनिमल है उसके लिए भी ये एक छाया बनाते हैं मतलब कि नेचर किसी को भी मतलब ऐसे वो नहीं करता नेचर सबके इक्वली ट्रीट करता है देन एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन और उसके साथ ही जो डेफोडिल्स है डेफोडिल्स प्लांट का नाम है जो फ्लावर का नेम है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन जो कि ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं एंड क्लियर रिल्स डैट फॉर दैमसल्स अ कोलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट दी हॉट सीजन और अब एक और थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया क्लियर रील्स रिल्स क्या होती है जो स्ट्रीम्स होती है छोटी छोटी नहरें होती हैं अब नदी नहीं बोल सकते छोटे छोटे जो नाले हो गए बोल सकते हैं डैट फॉर दैमसल्स अ कोलिंग कोवर्ट कोवर्ट मतलब शेल्टर तो ये अपने लिए एक कोलिंग शेल्टर बनाती है मेक अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट दी हॉट सीजन मतलब जब सब समर सीजन होता है तो जी ये रील्स होती है जो स्ट्रीम्स होती है छोटी चोट छोटी ये अपने लिए एक कूलिंग शेल्टर बनाती है जिससे कि वो इवेपोरेट ना हो सके समर सीजन के अंदर देन नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक अभी मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या है जो फंस होते हैं जो छोटे छोटे हर्ब्स होती है जो फॉरेस्ट के अंदर उगते हैं उनके लिए वो भी क्या है एक थिंग ऑफ ब्यूटी है देन रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम्स अभी मस्क रोजेज ब्लूम्स भी एक क्या फ्लावर है जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं ऐसा फ्लावर होता है तो ये क्या होता है अपनी जो स्प्रिंकलिंग है जो इसकी खुशबू है ये उसको चारों तरफ अपने जो एरिया है उसको उसके अंदर फैला देता है एंड सच टू इज द ग्रैंड्यर ऑफ़ द डूम्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको आप ध्यान से सुनना जो ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउट में आते हैं ना वो इसी के अंदर आते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंड्यर ऑफ़ द डूम्स और साथ ही में जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो अपन किसको मान सकते हैं ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड ग्रैंड्यूर मतलब मैग्निफिशेंट लार्ज डूम्स मतलब ग्रेट मतलब, ग्रेट पीपल एंड मतलब डू मिनट द डेथ डेथ ऑफ ग्रेट पीपल वी हैव इमेजन फॉर दी माइटी डैड माइट मतलब ग्रेट लोगों की इसमें क्या बताया है? कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी अपन किसको मान सकते हैं जो अपने फोर फादर्स थे जिनकी मतलब जो ग्रेट थे जो माइटी थे अपने उस टाइम पर उनके टाइम पीरियड पर वो माइटी थे ग्रेट थे ग्रेट थे तो उनको भी अपन क्या मान सकते हैं एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो अपन इमेजिन करते हैं अपने फोन फोर फादर्स के लिए देन ऑल लवली टेल्स डैट वी हैव हीड और रीड और जितनी भी अच्छी कहानी अपन ने सुनी है पढ़ी है ये सब क्या है थिंक ऑफ ब्यूटी है एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक पोरिंग इन टू अवर्स फ्रॉम दी हेवन स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब थिंक ऑफ ब्यूटी को किससे इन्होंने रिलेट किया है कि एक क्या है ये एक एंडलेस फाउंटेन है एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है फाउंटेन मतलब झरना अब बेसिकली झरना किसका होता है पानी का होता है उसमें बताया एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक इमोटल ड्रिंक मतलब अमृत के लिए बोला है टोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक ब्रिंक मतलब कॉर्नर तो क्या बता रहे हैं कि एक एंडलेस झरना है कभी ना खत्म होने वाला झरना किसका अमृत का जो कि अपने ऊपर गिर रहा है कहाँ से हेवंस ब्रिंक मतलब हेवन के एक कॉर्नर से अपने ऊपर गिर रहा है सो so, ये हो गया मतलब अगर आपने चैप्टर ये अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह देखी है ना तो मैंने एक एक लाइन आपको समझाई है एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए एक दो बार इसको रीड करना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी सो so, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे क्या होगा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की और साथ ही में क्लास ट्वेल्थ का मैं आपको पढ़ाया रहा हूँ उन सब की आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाएगी सो so, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना